ध्यान में मंत्र जाप में एक मंत्र की विधि है अवरेचन क्रिया। तो अवरेचन क्रिया के द्वारा हम सब नेगेटिविटी को निकाल देते हैं। तो जैसे आप भी ध्यान शुरू करें तो आप अवरेचन क्रिया को 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे पास एक केस आया कुछ वक्त पहले, गुजराती भाई हैं, उनके पिता ने उनको एक बिजनेस का साम्राज्य खड़ा करके दिया, काफी मोटर्स बना के दिए, चल भी रहे थे, अच्छे चल रहे थे। अचानक पिताजी रिटायर हो गए और देखा कि 5-10 साल में जहां उन्होंने 15-20 मोटर खड़े किए थे, उनका कारोबार डाउन होने लगा। ग्रह स्थितियां अनुकूल थी, ज्योतिष की स्थितियां अनुकूल थी, उनको वहम हो गया कि शायद कुछ तंत्र से मंत्र से गलत हुआ होगा। उस स्थिति को चेक किया, वो भी नहीं थी, और भी उनसे कई तरह के पूजा पाठ करवाए गए, कोई बात नहीं बनी। मैं भी निराश हो गया। अचानक एक दिन मुझे लगा कि इस चीज को चेक करना चाहिए। मैंने बुलाया उनको, विचार किया, देखा। मैंने पूछा उनसे कि बताओ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपका एग्जाम होता था, तो आप कोई बीमारी का बहाना ढूंढते थे एग्जाम को टालने के लिए? मैंने कहा सच बोलना। बोले हाँ। मैंने कहा जब कोई पिताजी आपके आपको कोई जरूरी मीटिंग में भेजते थे तब भी वो बहाना चलता था? बोले हाँ। जब कस्टमरों का लगता था रश होगा, भीड़ होगी, आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, तब भी जो बहाना चलता था? बोले हाँ। मैंने कहा वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक आप ऐसे ही गलत डिसीजन लेते रहोगे, आपके गलत डिसीजन की वजह से आप बर्बाद हो जाओगे। थोड़ी सी बात उनके दिमाग को लगी, बनी नहीं बात। फिर 2 महीने बाद आए, कहते बात सही है। तो फिर उनसे नेगेटिव निकालने को कहा। उस नेगेटिव विचार को निकालने के लिए दोस्तों लगभग 6 से 8 महीने लग गए। ध्यान में मंत्र जाप में एक मंत्र की विधि है अवरेचन क्रिया। तो अवरेचन क्रिया के द्वारा हम सब नेगेटिविटी को निकाल देते हैं। तो जैसे आप भी ध्यान शुरू करें तो आप अवरेचन क्रिया को 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए जरूर करें। एक मंत्र आपको बता रहा हूं, उस मंत्र को सभी लोग कर सकते हैं, पर आगे के जो स्टेप है आप इसमें बिल्कुल विशेषज्ञ होना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए दूसरा मंत्र होगा। तब तक के लिए आप क्लीम कालिकाय नमः, मां काली जी के इस मंत्र का जाप करें, क्लीम कालिकाय नमः, और धीरे धीरे क्लीम कालिकाय नमः, 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 क्लीम कालिकाय नमः। जैसे आप ऊंचे स्वर में क्लीम कालिकाय नमः का जाप करेंगे तो आपके 7 चक्र से आपकी नकारात्मक शक्ति निकलने लगेगी। पहले पूरे ऊंचे स्वर में करें, फिर धीरे 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 स्लो, फिर और स्लो, फिर और स्लो। 10 मिनट की प्रक्रिया है, 6 मिनट ऊंचे ऊंचे जाप करना है, फिर 2 मिनट धीरे से, 2 मिनट चुप हो जाना और मन में प्रार्थना करना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड के मालिक, हे परमात्मा, मेरी सब नेगेटिविटी को कैंसिल कर दो, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे विचारों में,
मेरे हाव भाव में सबको नेगेटिव को कैंसिल कर दो। तो भगवान करे आपको कामयाबी मिले, आप सक्सेस हो, आप सफल हो। नमस्कार।